हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कॉजेस ऑफ प्रोडक्ट फेलियर, यानी कि रीज़न बिहाइंड द प्रोडक्ट फेलियर। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आपको एग्ज़ाम में दिख सकता है। प्रोडक्ट फेलियर के ऊपर जो है पूरा का पूरा, कई बार आपके जो है यूनिट की पूरा सब्जेक्ट में जो है यूनिट कवर अप किया जाता है। तो उस लिहाज से भी अगर आपके सिलेबस में इसकी वेटेज ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा वेटेज के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करके जाइएगा। सो नाउ, प्रोडक्ट फेलियर होता क्या है? कई बार क्या होता है, जब आप अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च करते हैं तो वो शायद उतना अच्छा आपको जो है एक आउटकम नहीं देता है, या फिर उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट से आपको नहीं मिलता है, तो उसे हम कहते हैं दैट प्रोडक्ट फेल हुआ है। प्रोडक्ट ने वो एक्सपेक्टेशंस मेट नहीं की है, या फिर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी या जो हम यहाँ पे सोच रहे थे हमें आउटकम मिलेगा, वो आउटकम नहीं मिला है, तो उसको हम प्रोडक्ट फेलियर कहते हैं। नाउ देयर मे बी मेनी रीजंस बिहाइंड दिस प्रोडक्ट फेलियर। प्रोडक्ट फेलियर के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उन्हीं रीजंस के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब एक प्रोडक्ट जो है वो नहीं रीच कर पाता वो टारगेट सेल या फिर प्रॉफिट जो कि आपका पहले आपने डिसाइड किया था, तो उसको हम कहते हैं कि वो फेल हो गया है। जो इंपॉर्टेंट कोर्स है इस फेलियर के पीछे वो आपके हो सकते हैं। सबसे पहला, कॉन्सेप्शन ऑफ प्रोडक्ट आइडिया और स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट मे बी फॉल्टी, यानी जो आपका कंसेप्शन था आपका आपके प्रोडक्ट आइडिया को लेकर के, या फिर आपके प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन थी वो ही फॉल्टी थी, उसी में जो है कोई प्रॉब्लम आ गई। डिज़ाइन जो आपका प्रोडक्ट का था वो शायद जो कस्टमर की नीड्स था उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं किया, तो ये भी रीज़न हो सकता है आपका प्रोडक्ट फेल हो जाए। नेक्स्ट, जो आपका कंपटीशन है उसको आपने ठीक तरीके से स्टडी नहीं किया। हो सकता है कि आपने अपना प्रोडक्ट को ऐसे ही लॉन्च कर दिया विदाउट नोइंग दैट व्हाट एक्चुअली आपका जो आपका कॉम्पिटिटर है वो क्या सर्व कर रहा है, और जब आपका प्रोडक्ट आया तो पता चला दैट कॉम्पिटिटर के पास जो है बेटर ऑप्शन है आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट। तो इसीलिए जो है ऐसे सिचुएशन में भी आपका प्रोडक्ट फेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपने कंपटीशन का या फिर जो आपका स्ट्रेंथ है ऑफ कंपटीशन वो आपको नहीं पता चली या आपको स्टडी नहीं हुई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी हायर देन द एस्टिमेशन कॉस्ट। कई बार क्या होता है, आपको लगा कि यार 10 रुपये में ये बन जाएगा, 10 रुपये की पेप्सी, तेरा भाई भेजेगा इसको 15 में और 5 रुपये प्रॉफिट कमा लेगा, बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दोज दैट पर्टिकुलर गुड, यू रियलाइज दैट द कॉस्ट विच यू वर थिंकिंग कि वो सिर्फ 10 रुपये की आएगी, वो 13-14 की या फिर ज़्यादा की आ गई। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सेल तो जो है आप एकदम से सेल अमाउंट उसको नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि मार्केट में जो है जो नॉर्मल प्राइस था दैट वाज 15, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोच रहे थे, बट यहाँ पे अब ऐसा नहीं हुआ। आपका कॉस्ट जो है एस्टिमेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, या ज़्यादा है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, तो यहाँ पे जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन पे कॉस्ट लग रहा है उसका एस्टिमेशन आपका जो था उससे ज़्यादा अब आपको एक्चुअल कॉस्ट लग रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। कोई प्रोडक्ट आपने बनाया है मार्केट में डाला, बट उससे जो सेटिस्फैक्शन पूरी होनी थी वो नहीं हो पा रही है, या उसका खुद का जो परफॉर्मेंस है वो जो है पूर्ण रूप से सही नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। मार्केट चेंज मे नॉट बी अंडरस्टूड प्रॉपरली। कई बार क्या होता है, आप अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, उसी टाइम में मार्केट में कुछ चेंज आ गया, या फिर डेवलपमेंट के टाइम पे ना सही आगे पीछे मार्केट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपने वो जो है रियलाइज ही नहीं किया और अपने प्रोडक्ट को जो है ऐसे के तैसे ही जो है बना करके डाल दिया विदाउट चेंजिंग इट अकॉर्डिंग टू द मार्केट, तो उस सिचुएशन में जो है आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। बिकॉज अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं है, मार्केट में मार्केट डायनेमिक है, रोज चेंज होती है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट नहीं है तो वहां पे भी आपका जो है प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। तो अगर मार्केट के चेंजेस को आपने ठीक तरीके से अंडरस्टूड नहीं किया तो आपका प्रोडक्ट फेल हो सकता है। टेक्निकल एंड प्रोडक्शन प्रॉब्लम माइट हैव बीन अंडर एस्टिमेटेड। कई बार क्या होता है कि अगर टेक्निकल कुछ इश्यूज आए हैं या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आए हैं जब आप अपने प्रोडक्ट को बना रहे थे, तो उस सिचुएशन में आपने उसको इग्नोर कर दिया, अंडर एस्टिमेट कर दिया, और आगे चल के वो प्रॉब्लम एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि अब आपको पता चल रहा है कि यार नो, इट इज़ नॉट ईजी फॉर अस कि हम इसको कंटिन्यू कर सकें, तो ये क्या हो गया, ये भी एक प्रोडक्ट फेलियर का कॉज हो जाता है। सो यहाँ पे टेक्निकल एंड प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स को अगर आप जो है अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत आएगी। इनएडिक्वेट प्रमोशंस,
यहाँ पे जो है अगर आपने प्रोडक्ट बनाया है सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू द मार्केट और टू द कस्टमर हु आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड वॉन्ट्स टू बाय दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो इन दैट सिचुएशन यू मस्ट प्रमोट योर प्रोडक्ट, तभी जो है लोगों को पता चल पाएगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है. अगर आप प्रमोट ही नहीं करोगे सो दे विल नॉट बी एबल टू एबल टू नो कि भाई ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है. सो फॉर दैट यू हैव टू डू सम एडिक्वेट प्रमोशंस करना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपने प्रमोशंस नहीं किए हैं, एडिक्वेट प्रमोशंस नहीं किए हैं और आपका प्रोडक्ट भले ही कितना अच्छा क्यों ना हो, स्टिल जो है वो प्रोडक्ट फेलियर के तौर पर देखा जाएगा. नेक्स्ट इज़ पुअर पैकेजिंग, इनअप्रोप्रिएट साइज एट्सेट्रा. प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन उसकी पैकेजिंग इज़ नॉट गुड. लोग क्या करते हैं, कई बार बाहर का दिखावट देखते ही आपकी जो है प्रोडक्ट को बाय करते हैं. सो इसीलिए बाहर की पैकेजिंग करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट का मेन कैटेगरी होता है, मेन प्रोडक्ट होता है, उतना ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आपका पैकेजिंग, लेबलिंग, आपका ब्रांडिंग, ये सब चीज़ें भी होती हैं. सो इसीलिए पैकेजिंग अगर आपकी अच्छी है तो कहीं ना कहीं कस्टमर उसको ज़रूर बाय करेगा. बट अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है बट पैकेजिंग इज़ नॉट गुड और यहाँ पर जो है साइज़ नॉट अप्रोप्रिएट, आपने जो है 20-30 किलो का बना करके बेच रहे हो, लोग नहीं बाय करेंगे. सो ऐसा पैकेजिंग हो और ऐसा साइज हो, जैसे कि आप देखोगे शैम्पूज है, सैशे में भी आते हैं, बॉटल्स में भी आते हैं. तो यहाँ पे जो है जिसको सैशे सूट करता है वो सैशे ले सकता है एंड जिसको बॉटल सूट करती है वो बॉटल ले सकता है. सो द साइज इज अवेलेबल जो भी आपको चाहिए. सो यहाँ पे लेट सपोज कोई अगर 10 किलो का शैम्पू का बकेट बना करके बेचने लग जाए, लोग नहीं खरीदेंगे बिकॉज दे नो कि भाई ये पागल है, कौन खरीदेगा इतना 10 किलो का पैक. तो ये क्या है, इनअप्रोप्रिएट साइज़. तो यहाँ पे पुअर पैकेजिंग एज वेल एज इनअप्रोप्रिएट साइज़, इस तरीके की चीज़ें भी आपके प्रोडक्ट फेलियर के लिए एक रीज़न बन के आ सकती हैं. अब यहाँ पे आपके कंटिफ एंड स्टिल जो थे उन्होंने कुछ कोसेस थे उनको जो है क्लासिफाई किया और इन्होंने कहा कि कोई भी यहाँ पे रीजंस हो वो इन्हीं 6 कैटेगरी में आएंगे. तो उन्होंने 6 कैटेगरीज बना दी जिसको बोला गया कि ये कोसेस होते हैं योर प्रोडक्ट फेलियर. प्रोडक्ट फेलियर के पीछे ये 6 कारण होते हैं, इन 6 कारण के अलावा कोई और कारण नहीं हो सकता. तो यही 6 कारण जो है आपके प्रोडक्ट के फेलियर के पीछे होते हैं और कोई भी आपका कारण क्यों ना वो इन्हीं 6 कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में आएगा. सबसे पहला प्रोडक्ट प्रॉब्लम, यानी प्रोडक्ट की खुद के रिलेटेड प्रॉब्लम. तो नेगलेक्ट ऑफ मार्केट नीड्स और इग्नोरेंस ऑफ मार्केट प्रेफरेंसेस, अगर आप जो है मार्केट की नीड को नेगलेक्ट करते हो, जो मार्केट में नीड है, मार्केट में जो जरूरत है उसको साइड करके, उसको नेगलेक्ट करके कुछ और ही बना रहे हो तो आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा. या फिर आप जो है मार्केट की नीड को इग्नोर जो भी है उसको इग्नोर कर रहे हो या फिर मार्केट के प्रेफरेंसेस को इग्नोर कर रहे हो और कुछ भी अपने मर्जी का प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो प्रोडक्ट प्रॉब्लम में आता है. डिफेक्ट इन प्रोडक्ट फंक्शन, कोई प्रोडक्ट है उसके फंक्शन में ही डिफेक्ट हो रहा है, उसको यूज़ करने में ही डिफेक्ट हो रहा है तो वो प्रोडक्ट प्रॉब्लम है. पुअर टेक्निकल डिज़ाइन, डिज़ाइन जो है वो ख़राब है या एक्सटर्नल अपीयरेंस, जैसे कि अभी हमने पैकेजिंग की बात की थी, वो ख़राब है तो वो प्रोडक्ट प्रॉब्लम में आएगा. पुअर पैकेजिंग है, इनअप्रोप्रिएट साइज है, वो भी प्रोडक्ट प्रॉब्लम में आएगी. तो यानी कि प्रोडक्ट प्रॉब्लम, जो सारी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सारी इस कैटेगरी में आ गई, चूँकि आपका पहला कोज होता है फॉर योर प्रोडक्ट फेलियर. अनदर वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल प्रॉब्लम. डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल प्रॉब्लम यानी कि आपने प्रोडक्ट बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उसको कस्टमर तक पहुँचाने के लिए एक चैनल होता है. चैनल होता है कैसे कि आप अपना जो है प्रोडक्ट भेजोगे अपने जो भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, एंड देन इट विल गो टू द कंज्यूमर और द फाइनल कंज्यूमर कस्टमर. तो इस तरीके से ये पूरा एक चैनल चलता है. तो अगर आपका ये चैनल प्रॉब्लम है, अगर इस चैनल में प्रॉब्लम आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपका इस पॉइंट में आता है जो कि आपके प्रॉब्लम एक तरीके से आपका जो है बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है ऑफ योर प्रोडक्ट फेलियर. प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बस कस्टमर तक ठीक से पहुँच नहीं रहा, सही समय पर नहीं पहुँच रहा, तो फिर जो है वो भी फेल हो जाएगा भले ही आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो. सो इनअप्रोप्रिएट चैनल और आउटलेट्स, आप जो है इनअप्रोप्रिएट चैनल ले रहे हो, इनअप्रोप्रिएट आउटलेट्स ले रहे हो, अननेसेसरी मिडल मैन उठा कर डाल रहे हो, 10-10 आपके मिडल मैन है. जब आपका प्रोडक्ट यहाँ पे है आपके पास और आपके कस्टमर यहाँ पे है, इसके बीच में 10 मिडल मैन इकट्ठे हो गए हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी. लैक कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन नहीं है एक दूसरे के बीच में इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, या फिर फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर पुअर सिस्टम है
है ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकली इसको गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो, यानी कि एक से दूसरे की जगह जो जा रहा है वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पुअर है, तो वो सिस्टम बहुत पुअर है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में आपका प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में प्रोडक्ट फेलियर होगा और यहाँ पे उसका रीज़न होगा डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल आपका प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका आता है प्रमोशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रमोशनल प्रॉब्लम्स, अभी हमने बात बताई कि चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, बट यू हैव टू टेल अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू योर कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। इफ़ यू विल नॉट डू सो, दे विल नॉट फाइंड इट आउट कि भाई आपका भी कोई प्रोडक्ट जो है मार्केट में एक्जिस्ट करता है। सो फॉर दैट प्रमोशनल प्रॉब्लम में आपका क्या आता है, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स जो कि प्रमोशनल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इफेक्टिव प्रमोशन आपने किया है, इनएडिक्वेट प्रमोशन किया है, या फिर एडवर्टीजमेंट जो है वो जो है डायरेक्टेड की गई है गलत मार्केट सेगमेंट्स की तरफ। आपको बेचना है आपका सामान जो है इंडस्ट्रियल गुड्स है, तो आपको जो है इंडस्ट्री टाइप की मैगजीन में एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए, आपने टीवी में कर दी, वो नहीं देखेगा बेचारा, वो काम में बिजी होगा। तो ऐसे सिचुएशन यानी कि जहां पे आप अपनी जो आपकी प्रमोशन है वो आप कहीं ना कहीं, या एडवर्टीजमेंट है वो गलत मार्केट सेगमेंट की तरफ कर रहे हो, यूज़ ऑफ रॉन्ग अपील्स, गलत अपील्स ले रहे हो। अपील्स आपने देखा होगा जो कि अपील करते हो कि आपको कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, सो दैट कम्स अंडर अपील। तो आप गलत तरीके से अपील कर रहे हो, या फिर जो है आपका कोऑर्डिनेशन जो है एडिक्वेटली विद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, वहाँ पे भी आपका जो है प्रोडक्ट फेल होगा। सेल्स फोर्स आपका थोड़ा सा ख़राब है, इनएडिक्वेट है इन ट्रेनिंग, मोटिवेशन और सुपरविजन, तो वो आपका जो है प्रमोशनल प्रॉब्लम्स में आता है। नेक्स्ट इज प्राइसिंग प्रॉब्लम। प्राइसिंग प्रॉब्लम यानी कि रिलेटेड विद प्राइस। नाउ प्राइस में आपका कॉस्ट भी आ जाता है, सेलिंग प्राइस भी आ जाता है, तो वो सारे प्राइस से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट फेल होता है वो आपका प्राइसिंग प्रॉब्लम्स में आएगा। सबसे पहले बैड फोकास्ट ऑफ प्राइस बायर वुड पे। तो ये आप क्या करते हो, प्रोडक्ट बनाने से पहले एक फोकास्टिंग करते हो, एक एस्टिमेशन लगाते हो दैट कि फ्यूचर में हम जब ये प्रोडक्ट बना देंगे तो बायर इस प्रोडक्ट के लिए कितने पैसे देने के लिए रेडी हो सकता है। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ फोकास्टिंग। तो यहाँ पे आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि प्रोडक्ट जो है बायर मुझे 50 रुपये दे देगा, बट एक्चुअली में वो नहीं देगा। तो यहाँ पे बैड फोकास्टिंग करना अबाउट द प्राइस जो कि बायर पे करने के लिए रेडी हो सकेगा। प्राइस आउट ऑफ लाइन विद प्रोडक्ट क्वालिटी। यहाँ पे क्या है, जो आपकी प्राइस है वो आपने आउट ऑफ लाइन ही चूज कर लिया है, जो कि आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी है उससे कहीं अलग है। पुअर कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन आपने गलत किया है, जिसकी वजह से क्या है, आस्किंग प्राइस कई बार हाई हो जाएगा। यानी कि लेट सपोज आपने जो है पुअर कॉस्ट एस्टिमेशन किया, आपका प्रोडक्ट आपने सोचा 10 रुपये में बन जाएगा, 15 रुपये में बना, तो उस सिचुएशन में अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब जब आप इसको बेचने के लिए जाओगे तो आपको 15 से ऊपर ही बेचना पड़ेगा। तो क्या है, ये कई बार जो है काफ़ी हाई आस्किंग प्राइस पे चला जाता है। इनएडिक्वेट मार्जिन फॉर द मिडल मैन। मिडल मैन्स के लिए मार्जिन नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने 15 रुपये का कॉस्ट लगाया, एमआरपी आपने उस पर डाल दिया 16 रुपये का। अब ये जो डिफरेंस है 15 से 16 रुपये का, 1 रुपये का, आपने सोचा मेरे लिए 1 रुपये का प्रॉफिट बहुत है, बट जब आप मिडल मैन में बेचने जाओगे तो वहाँ पे वो बेचारा क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्योंकि आप भी कॉस्ट से तो ऊपर ही दोगे, 15 रुपये की कॉस्ट लग रही है और आपने एमआरपी 16 डाल दिया है, तो वो बेचारे 16 रुपये से ऊपर भी नहीं बेच पाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए मिडल मैन का भी मार्जिन सेटअप करना बहुत ज़रूरी होता है जब आप अपना प्राइस सेट कर रहे होते हो। नेक्स्ट इज टाइमिंग प्रॉब्लम। टाइमिंग प्रॉब्लम यानी कि कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा होता है बट वो समय से बहुत पहले आ जाता है, मार्केट उसके लिए शायद रेडी नहीं है, या फिर वो मार्केट में जो है टाइम उसका निकल चुका होता है उसके बाद आता है, तो मार्केट उसको जो है यूज़ कर चुकी है, अब उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो टाइमिंग प्रॉब्लम यानी कि जब आप अपना प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हो, या तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी इंट्रोड्यूस हो चुका है या बहुत ज़्यादा लेट इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट उसको सही रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा। सो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फेलियर टू एस्टिमेट स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटिटर्स। यहाँ पे क्या है कि आपके कॉम्पिटिटर्स की कैपेबिलिटी जो है आप उसको पहचान नहीं रहे हो, या फिर जो है उसकी कैपेबिलिटी को ध्यान नहीं दे रहे हो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। इन ऑर्डर टू चेक प्रोडक्ट फेलियर, टाइमली केयर शुड बी टेकन ऑफ द अबव फैक्टर्स। आपको जो है प्रोडक्ट फेलियर का जब आपको टाइम चेक करना पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, टाइमली इन सभी फैक्टर्स को भी चेक करते हो। प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो आपको मॉडिफाई कर मस्ट ऑल्सो बी मॉडिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन द मार्केट। जैसे जैसे मार्केट में चेंज आ रहा है वैसे वैसे आपको जो है उसके अकॉर्डिंग डायनेमिक होना पड़ेगा, और अपनी जो भी चीज़ें मार्केटिंग स्ट्रेटजी को चेंज करना है, प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज को चेंज करना है, वो आपको मॉडिफाई करती रहने पड़ेंगे according to you or depending upon the change in the market. So that's it for today guys, let's see you in the next video. Till then take care of yourself and take care of your health.